इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। कलयुग में प्रशासनिक कारिंदे कृष्ण की सगल में बैठकर दुर्योधन की इस दुनिया में आम आदमी को खुदकशी करने के लिए मजबूर कर देते हैं। जब प्रमोद अधिकारियों द्वारा दी जाने वाली पीड़ा, प्रताड़ना, अपमान, जिल्लत सहते सहते थक गए तो उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझा और उन्होंने आत्महत्या कर ली। कोई जाकर देखे प्रमोद के घर की हालत तो कलेजा मुंह को आ जाता है। प्रमोद के घर के उस हर व्यक्ति की आंखों की अगनाई से दर्द की झील बह रही है और सबके चेहरे पर एक ऐसा सवाल साफ नजर आता है जिसे कोई भी अनपढ़ और अंगूठा छाप व्यक्ति भी पढ़ सकता है कि आखिरकार इस परिवार का लालन पालन भरण पोषण अब कौन करेगा, कैसे करेगा, कैसे चलेगा सब कुछ। जब पिता के रहते तकलीफों का इतना पहाड़ टूटा तो जिस परिवार से उसके घर का मुखिया विमुख हो जाए, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। लेकिन अफसोस तो इस बात पर होता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी अभी भी प्रमोद गुप्ता को ही दोषी ठहरा रहे हैं। उनकी संवेदनहीनता तो देखिए। जिन अधिकारियों को प्रमोद की मौत पर अफसोस जताना चाहिए वो अधिकारी नेताओं की गोद में बैठकर उछल रहे हैं और आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को ही दोषी ठहरा रहे हैं। यदि वाकई में नगर निगम ने, जिला प्रशासन ने प्रमोद गुप्ता के आवेदन निवेदन प्रतिवेदन पर कार्यवाही की होती तो प्रमोद गुप्ता आत्महत्या क्यों करते। सीधे और सरल तरीके से सिस्टम की कमजोरियों और सिस्टम के नकारेपन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति को किस स्तर तक हैरान परेशान किया जाता है कि वह व्यक्ति अपनी जान देने पर उतारू हो जाता है। इसके बाद भी अधिकारी उस जान देने वाले व्यक्ति को ही दोषी ठहराते हैं। अगर वाकई में वह गरीब नहीं था, वह परेशान नहीं था, उसे तकलीफ नहीं थी तो फिर जिला प्रशासन ने 50,000 रुपये की मदद क्यों की। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की निगाह में यह बात तो साबित हुई कि प्रमोद गुप्ता हैरान परेशान थे। प्रमोद गुप्ता की आत्महत्या का जिम्मेदार अधिकारी तो है, यह अलग बात है कि उसे भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट जिम्मेदार अधिकारी बचा ले जाए, क्योंकि गरीब आदमी की सुनता कौन है आज की तारीख में। प्रमोद गुप्ता ऐसे कोई प्रभावशाली व्यक्ति भी नहीं थे जिनके प्रभाव के चलते वैसे समाज का एक बड़ा समूह सत्ताधारी दल से छिटक जाए। आश्चर्य तो इस बात पर भी होता है कि प्रमोद गुप्ता के आत्महत्या के मुद्दे पर विपक्ष के नेताओं ने भी अपने मुंह पर टेप लगा रखा है। पहले के नेताओं में और अब के नेताओं में सिर्फ यही फर्क देखने में आया कि पहले के नेता आम आदमी के दुख दर्द को बड़ी मुखरता के साथ उठाते थे, आम आदमी के दर्द और पीड़ा को वह महसूस करते थे। लेकिन आज का नेता तो सिर्फ जातिवाद का जनेऊ पहनकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाता है। क्या प्रमोद कुशवाहा समाज से होते तो जिले के नेता इसी तरीके से चुप बैठे होते? क्या प्रमोद पटेल समाज से होते तो जिले के नेता इसी तरीके से चुप बैठते? क्या प्रमोद ब्राह्मण समाज से होते तो जिले के अधिकांश नेता क्या इसी तरीके से चुप बैठते? क्या प्रमोद क्षत्रिय समाज से होते तो जिले के अधिकारी इसी तरीके से बेहुदा बयान देते जिस तरीके से आज दे रहे हैं? माना कि सतना जिले के अंदर वैसे समाज का कोई प्रभावी नेता नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि एक आम आदमी को जिला प्रशासन के अधिकारी आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दे। भला हो शहर के महापौर योगेश ताम्रकार का, उन्होंने इस दुर्घटना पर वक्त तो निकाला और बिस्तर पर पड़ी उस असहाय अनुष्का का दर्द जानने तो पहुंचे। क्या बाकी शहर के जितने भी नेता हैं उन्हें चुनाव नहीं लड़ना, उन्हें अब राजनीति नहीं करनी? यह पूरी कहानी केवल प्रमोद गुप्ता की नहीं है बल्कि जिले के प्रदेश के उन तमाम लोगों की कहानी है जो बेचारे हैरान और परेशान हैं। उन्हें यह समझने की ज़रूरत है कि आज की राजनीति और आज का प्रशासन कितना संवेदना शून्य हो चुका है। उन्हें आम आदमी का दुख दर्द नज़र ही नहीं आता। ऐसा क्रूरतम मंजर देखने के बाद भी आम आदमी को सोचने की ज़रूरत है कि उसे अपना जनप्रतिनिधि कैसा चुनना चाहिए। क्या प्रमोद की दुर्घटना किसी भी विधायक और सांसद के मुँह पर तमाचा नहीं मारती? लेकिन जब किसी घटना और दुर्घटना को कोई नेता महसूस ही न करे तो आप कर भी क्या सकते हैं? ऐसा नहीं है कि हैरान परेशान प्रमोद गुप्ता ने किसी नेता से अपना दुख दर्द न रोया होगा, लेकिन नकारा नेताओं ने भी प्रमोद के दुख दर्द को कपूर की पुड़िया की तरह उड़ा दिया।
जिस तरीके से समाज उमड़कर उनकी मदद अब कर रहा है, अगर यही मदद पहले कर दी होती तो शायद प्रमोद गुप्ता आत्महत्या नहीं करते। हालांकि इस पूरे मामले में सर्व समाज के कुछ लोगों ने जाकर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है, लेकिन इस ज्ञापन सौंपने से होता क्या है? प्रमोद गुप्ता की सारी कहानी देखने के बाद अगर कोई आम आदमी सीख लेना चाहता है तो सीख ले ले कि आज के दौर में हर आम आदमी का हस्त प्रमोद गुप्ता जैसा ही है। यदि देश का आम आदमी संगठित होकर गैर जिम्मेदार नेताओं और गैर जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध एकजुटता के साथ कोई निर्णय कर सकता है तो करे, जिसके चलते भविष्य में कुछ चीज़ें सुधर सकती हैं, वरना जैसा चल रहा है वैसा ही चलने वाला है, क्योंकि इस देश में सुधारने वाले लोगों की संख्या कम, बिगाड़ने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। ईमानदार लोगों की संख्या कम, बेईमान लोगों की संख्या ज़्यादा है। इसलिए आम जनता का सकारात्मक संकल्प, जो जात पात से ऊपर उठकर एक संवेदनशील नेता का चयन करे जो आम जनता के दुख दर्द को समझ सके। बाकी जब तक देश की जनता जातिवादी का जनेऊ पहनकर वोट देती रहेगी, तब तक इस देश में इसी तरीके के परिणाम आते रहेंगे। आज इस पूरे मामले में विधानसभा का चुनाव लड़ चुके अनिल अग्रहरी शिवा ने कलेक्टर से मुलाकात की है और उनने ये उम्मीद जताई है कि कलेक्टर इस पूरे मामले में गैर जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। तरह तरह की नकली और ढकोसले वाली योजनाएं चल रही हैं, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहन योजना, भांजी योजना, गुमराह करने के लिए दुनिया भर की योजनाएँ चल रही हैं। आज शर्म के साथ में बताना पड़ रहा है कि सतना में दो दिन पहले ही इस योजना की पोल खुली है। जिनको भांजी कहा जाता है उसमें से एक परिवार के उस पीड़ित गुप्ता परिवार है, उसके पिता ने, जैसा उन लोगों ने जानकारी दिया है, कि अपने घर का राशन चलाने के लिए, सिलेंडर भरने के लिए उनको अपना खून बेचना पड़ा। शासन की कोई योजना उनके पास में नहीं गई और उसके पिता ने जाकर ट्रेन के नीचे जाकर के आत्महत्या कर दिया। किसी भी व्यक्ति के लिए आत्महत्या करना सबसे अंतिम चीज होता है। शासन की योजना कितनी कारगर है मध्य प्रदेश में, इसका सीधा उदाहरण सतना में देखने को मिला है। करोड़ों अरबों रुपए केवल विज्ञापन में फूंक दिए जाते हैं, पेपरों में विज्ञापन, होर्डिंग में विज्ञापन। रोजगार के लिए भी जो आदमी परेशान है और इस तरह की योजनाओं के लिए परेशान है, इस चीज़ की हम लोग सब लोग निंदा करते हैं। कलेक्टर साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और पूरा विश्वास है कि उनकी तरफ से इसमें जाँच होगी, दोषी के ऊपर कार्रवाई होगी। हमने दोषी के लिए कार्रवाई के लिए भी मांग किया है, नहीं होती है तो मजबूरन दो दिन तीन दिन बाद हम लोग को सड़क में उतरना पड़ेगा, प्रदर्शन करेंगे, शहर बंद करेंगे, जो जो करना पड़ेगा न्याय दिलाने की। इस पूरी घटना में जो भी अधिकारी दोषी हैं, जिनकी वजह से उस बच्ची को आत्महत्या, उसके पिता को आत्महत्या करना पड़ा, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। उस बच्ची के परिवार को जो गवर्नमेंट की योजनाएं अब नहीं दे पाए, इन लोग भी इंतजार करते हैं कि कोई बड़ी घटना घट जाए, इसके बाद इंतजार योजनाओं का लाभ दें। अब मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई घटना नहीं घटेगी, तो अब उनको जा करके लाभ दे दें। अनिल अग्रहरी शिवा ने अपनी इस पूरी बात में एक चेतावनी भी दी कि अगर दो तीन दिन के अंदर ईमानदार कार्रवाई नहीं हुई तो इस पूरे मामले में जो भी करना पड़ेगा, आंदोलन, प्रदर्शन, धरना, चकाजाम, जो भी करना पड़ेगा अनिल अग्रहरी शिवा करेंगे। कम से कम विशाल खबर अनिल अग्रहरी शिवा को धन्यवाद देता है कि कम से कम एक संवेदनापूर्ण तरीके से, एक संवेदनशील मामले में अनिल अग्रहरी शिवा आए। बाकी तो नेता इस गर्मी में वातानुकूलित कमरे में बैठकर आराम फरमा रहे हैं, क्योंकि उनके जात, उनके पात, उनका नज़दीकी या उनके किसी परिचित के व्यक्ति ने आत्महत्या नहीं की है, इसलिए उन्हें इस आत्महत्या पर न पीड़ा जताने की ज़रूरत है, न अफसोस जताने की ज़रूरत है, न सिस्टम सुधारने की ज़रूरत है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।